हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैंगो शेक बनाएंगे और बिल्कुल अलग ही स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो हमने दो आमों से ये मैंगो शेक तैयार किया है। 3 ग्लासेस मैंगो शेक बहुत अच्छा बनकर तैयार है। तो हमने सिर्फ 2 आम से आप देख सकते हैं कितना अच्छा और न्यूट्रिशनल सा थिक सा मैंगो शेक बनाया है। टेस्ट करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना है। ये हमने 2 आम अच्छे से धो लिए हैं और उसके बाद हमें ये छील लेने हैं। अच्छे से हम इनको पील कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा गहरा भी इनको पील मत कीजिएगा। तो इस तरह से हम पील कर लेंगे और दोनों आमों को, और उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या करना है। देखें, हमने इस तरह से दोनों आम छील लिए हैं। हम इनको कट करेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं क्योंकि हमें तो ब्लेंड ही करना है। तो आप बड़े छोटे जिस साइज़ में जिस शेप में चाहें इनको कट कर लें। तो मैं थोड़े से क्यूबिकल से काट रही हूँ, तो ज़्यादा बड़े भी नहीं काट रही। तो आप भी जैसे चाहें अपने हिसाब से कट कर लें, लेकिन बहुत बड़े बड़े पीसेस ना करें क्योंकि ब्लेंड करने में फिर उन्हें परेशानी हो सकती है। तो आप बस मीडियम साइज्ड पीसेस कर लें। तो हमने देखें दोनों आमों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें हम ये आम डाल देंगे और ब्लेंड करेंगे इनको अच्छी तरह से। बिल्कुल हमें इनमें कोई गुठली नहीं छोड़नी है, कोई पीस नहीं छोड़ना है। तो ये हमने ब्लेंड कर लिया है। एक पाइपिंग बैग लिया है, इसमें एक नोजल हमने लगा रखा है डिज़ाइन का, आप अपनी चॉइस से लगा लें। तो हमने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा पल्प डाल देना है और बाकी का आम जिसका हम मैंगो शेक बनाएंगे, तो हमने ये ब्लेंडर में छोड़ दिया है। एक बड़ा कप हम भर कर दूध लेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है, रूम टेम्परेचर पर, और आप चाहें फ्रिज का भी ले सकते हैं। तो मैं एक साथ सारा दूध नहीं डाल रही हूँ, हाफ कप दूध डालूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये दो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, 2 चम्मच है। तो मैं क्या करूँगी, इस चीनी के साथ भी ब्लेंड कर लूँगी इसको। तो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो बाकी का बचा हुआ दूध भी अब हम इसमें डाल देते हैं और हम वापस से इसको ब्लेंड करेंगे दूध के साथ। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, एकदम से सारा दूध नहीं डाल देते हैं। तो ये देखें, अब बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में लग रहा है, आ गया है ये मैंगो शेक वाली। तो बस इतना ही हमें थिक चाहिए। तो हम दिखाते हैं आपको, आप इतना ही थिक रखिएगा। इधर हमने एक आइसक्रीम ले ली है, 2-in-1 है ये मैंगो की। ये भी ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो यूज़ करें। मुझे इसके साथ मैंगो शेक अच्छा लगता है तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ उसको। तो मैं आइसक्रीम को कट कर लूँगी बीच में से, इस तरह से सेंटर से, और इसके मुझे छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। आप चाहें तो आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आइस क्यूब यूज़ नहीं कर रही, और फिर भी मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है मैंगो शेक में, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। तो आप 2-in-1 मैंगो आइसक्रीम ले लें तो उसमें अच्छा फ्लेवर आएगा, और ना चाहें तो बिल्कुल यूज़ ना करें। सिंपल सा मैंगो शेक बना लें आइस क्यूब डालकर। तो हम क्या करेंगे, इस आइसक्रीम के हमने देखें छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, दो पीसेस हम एक एक ग्लास में डाल लेंगे। बाकी हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे, 2-2, 3-3 पीस। तो देखिए, हमने ग्लासेस में आइसक्रीम को डाल दिया है और अब हमारा शेक जो है बिल्कुल तैयार है। हम इसमें डाल देते हैं ग्लासेस में, और अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा नीचे टेक्सचर इसका आ गया है मैंगो शेक का। ये इसलिए आइसक्रीम मैंने यूज़ की है। और जो पाइपिंग बैग में हमने थोड़ा सा पल्प निकाला था ना, तो हम उससे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, सिंपल सा बना लें। बस इससे ये होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप बहला फुसला कर और इस तरह से दिखा सकते हैं, और उन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर एडिशनल सा डेकोरेशन कर दें तो आराम से इतना न्यूट्रिशनल मैंगो शेक पी सकते हैं, इतना हेल्दी।
तो देखें, बिल्कुल तैयार है हमारा मैंगो शेक। लग रहा है ना, बहुत अच्छा मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होता है। आमों का सीज़न है, आप बनाइएगा रोज़ाना घर में और बच्चों को पिलाइएगा। इस तरह से हम आपको टेस्ट कर कर देखिए दिखाते हैं। बहुत अच्छा बना है, मज़ेदार। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।